हेलो गाइस, मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का अचार, जो आप तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं। ये बनाने में काफ़ी सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए खाना खजाना भाई रश्मि के साथ। तो मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में ऐड किया है सरसों ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा सा, क्योंकि हमें मिर्ची को फ्राई करना है और बाद में इसे निकाल लेना है। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ही मिर्ची ऐड की है। हम अब मिर्ची को अच्छी तरीके से करेंगे फ्राई। इसमें हम परफेक्ट सा कलर आने देंगे। थोड़ा सा जो सोनापन आ जाता है मिर्ची फ्राई होने के बाद, क्रिस्पी हो जाती है, क्रंची हो जाती है, बस हमें उस लेवल आने तक मिर्ची को फ्राई करना है। तो हम गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और उसी मीडियम फ्लेम में ही हमें मिर्ची को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। आप इसको बनाने के बाद ना दाल चावल वगैरह के साथ खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है। जिसे मिर्ची पसंद है ना, उसको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। तो जब ये परफेक्ट कलर में आ जाएगा, तब हम इसे तेल से कर लेंगे बाहर। हम इस अचार में तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे बाद में, बस हमें फ्राई करते वक्त तेल का ज़रूरत है। तो जैसा देख सकते हैं, कलर काफ़ी परफेक्ट हो गया है और मिर्ची थोड़ा सा ब्राउनिश और रेडिश में आ गई है, कलर में आ गई है। बस अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे हम एक कटोरे में रख लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ना इसमें आधा चम्मच खटाई पाउडर। तो ये तीखी वाली मिर्ची थी, तो मैंने इसमें आधा चम्मच खटाई पाउडर डाला है। और फिर इसमें ऐड करेंगे अचार का मसाला, नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार ऐड करना है। तो बस अब हमें इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेना है और हमारा मिर्ची का अचार तैयार हो जाएगा। आप इसे दाल चावल वगैरह या सब्जी रोटी के साथ, या आपको जो चीज़ पसंद हो उसके साथ खा सकते हो। ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे 6 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो और जब ख़त्म हो जाए तो फिर से बना लीजिए मेरी वीडियो देख के। तो अगर आपको ये झटपट वाली मिर्ची का अचार की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।